Hello everyone, this is Simran. Welcome to my channel Colorful Beads. In this video, I'm going to explore weaving using different components. Weaving is the process of combining warp and weft components to make a woven structure. Weaving का यूज हम फैब्रिक और बास्केट की बुनाई जैसी चीजों में करते हैं. So without any further delay, let's get started. तो फर्स्ट मैं यहाँ सोच रही थी क्यों ना मैं इस प्लास्टिक की डिब्बी के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ. सो आई एम थिंकिंग क्यों ना मैं इस डब्बे से विंड चाइम बनाऊँ. चलो शुरू करते हैं निंजा टेक्निक के साथ. इस डब्बे को मैं अच्छे से कवर कर दूंगी. मैं इसके ऊपर छोटा सा होल बना दूंगी. ऑफकोर्स ये इतना सिंपल नहीं होने वाला है. मैं यहाँ सी और स्काई को डिपिक्ट करने वाली, जिसके लिए मैं यहाँ बर्ड्स और फिश का यूज़ करूँगी. इसमें मैं वेविंग के बच्चों वाले ट्रिक को यूज करूंगी, जो ऑफ कोर्स हमने कभी ना कभी ट्राई किया होगा. इसे कट करने के बाद मैं इन दोनों को अटैच कर दूंगी. मुझे ये राउंड वाली वेविंग बहुत ज़्यादा कूल लगी. कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा. नाउ आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल पीस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आई एम थिंकिंग मैं इस डब्बे को मॉडिफाई करूँ. यहाँ मैं बास्केट वीविंग ट्रिक को यूज कर रही हूँ. पेपर की हेल्प से मैं इस डब्बे को कवर कर दूंगी. इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल था फेविकॉल निकालना. इस पेपर से मैं बाकी बचे हुए पार्ट को भी कवर कर दूंगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आई हैव अ हैंडमेड वीविंग फ्रेम. आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज मैं इसे क्या बनाऊँ. धागे के साथ मैं शुरू हो जाती हूँ. सो आई गॉट एन आइडिया कि मैं इसे ज्वेलरी बनाऊँ. वीविंग को यूज़ करके ज्वेलरी बनाना मेरे लिए भी काफ़ी अजीब था, बट आई एम बीट क्रेजी अबाउट ज्वेलरी. इसको बनाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी. लेट्स लुक इट टू द रिजल्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फिर से मैं सेम ट्रिक को यूज़ करके इयर रिंग बनाने वाली हूँ. इसमें मैं फैब्रिक बनाने वाले मैथड को यूज़ कर रही हूँ. ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल था. इसके पूरा होते मैं इसमें जंप रिंग अटैच कर दूंगी. मैं इसको मॉडर्न ज्वेलरी लुक देने के लिए कोकोकोला के ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ. इसके अंदर की प्लास्टिक रिमूव करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी. तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी. एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.